मेरा तो यही मुद्दा है, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, साफ सीधी बात है। एक सिंगल बंदा नौकरी करके क्या करेगा, देश चला लेगा, लेकिन देश चलेगा तब घर घर चलेंगे, ना कि घर से देश नहीं चलेगा, देश से घर चलेगा। बहुत बड़ी बात है, उन्होंने हमारे जैसे यूथ को नजरिया दिखाया, धारा 370 हटाई कश्मीर में। जायज है बीजेपी ही जीतेगी। अच्छा, जो राम को लाए हैं वो जरूर आएंगे। दोस्तों, इस समय हम खड़े हैं चंडीगढ़ के सेक्टर 20 के पोलिंग सेंटर पर। चंडीगढ़ में एक बहुत अच्छी बात रही कि चंडीगढ़ में जितने भी चुनाव हुए हैं वो बहुत ही, यूं कहें कि शांतिपूर्ण ढंग से हुए हैं। चंडीगढ़ में लगभग 67% चुनाव जो हैं हो चुके हैं। और एक बहुत बड़ी बात, नेचर की बात भी अगर हम करें या हम लोगों की बात करें, तो जैसे जैसे चुनावी पारा ऊपर जा रहा था तो वैसे वैसे गर्मी भी, जो उसका प्रकोप है वो भी बढ़ रहा था। और जैसे ही हम कहेंगे कि चुनावी बुखार नीचे आया है तो कुदरत भी मेहरबान हुई है। दोपहर के बाद कुछ बादल आए और शीतल हवा चली, जिस तरह से आज चंडीगढ़ की कॉलोनीज में देखा गया, बहुत भारी बहुमत से बहुत भारी जनमत हुआ है, बहुत लंबी लंबी कतारें लगी रहीं लोगों की, और चंडीगढ़ में बहुत शांतिपूर्ण ढंग से का चुनाव हुआ है। दोस्तों, इस समय हमारे साथ खड़े हैं चंडीगढ़ से आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर श्री प्रेम गर्ग जी। उनसे बात करते हैं कि आज का दिन कैसा रहा है, किस तरह की गतिविधियां रही हैं आज। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर कैसे हैं आप, सबसे पहले तो ये बताइए। बहुत बढ़िया, आपकी कृपा है, भगवान की कृपा है। सर आज का दिन कैसा रहा? देखिए, चंडीगढ़ की जनता पढ़ी लिखी जनता है, बहुत पीसफुल सिटी है, और मेरे को लगता है चंडीगढ़ में जिस तरह से इलेक्शन हुआ है तो बहुत ही पीसफुल हुआ है। कोई कहीं से झगड़े की या किसी तरह की मार्केट आई की कोई खबर नहीं आई। एडमिनिस्ट्रेशन का जो मैनेजमेंट थी वो भी अच्छी थी। मैं खुद 30 सेक्टर में वोट डाल के, और मेरे को 10 मिनट से ज़्यादा वोट डालने में नहीं लगे, तो ठीक है। ओवरऑल गर्मी बहुत थी, तो थोड़ा पानी वानी की समस्या जरूर, धूप थी, लेकिन ओवरऑल ठीक है। क्या लगता है किस तरह के समीकरण बन सकते हैं इस बार? समीकरण देखिए, दोनों मनीष तिवारी और संजय टंडन दोनों बहुत अच्छे कैंडिडेट चंडीगढ़ को मिले, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं और बहुत अच्छे परिवारों से आते हैं, तो मेरे को लगता है कि इस बार कंपटीशन दोनों का टफ रहेगा, बराबर का है। जो भी जीतेगा वो बहुत कम मार्जिन से जीतेगा। हाँ, मगर इंडिपेंडेंटली मेरी, मैं तो वैसे आम आदमी पार्टी के मनीष जी को सपोर्ट करते हैं, लेकिन मेरे को लगता है कि इस बार जो कंपटीशन है वो ऑलमोस्ट बराबर का, हाँ बराबर का कंपटीशन है। धन्यवाद जी। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? युक्शांत। युक्शांत, युक्शांत। आज युक्शांत जी आपने वोट किया है? हाँ जी किया है, जरूर। हाँ जरा हमारे दर्शकों को पहले तो निशान दिखाएं। हाँ तो भाई साहब आपने फर्स्ट टाइम वोट किया है? नहीं, सेकंड टाइम है मेरा। सेकंड टाइम। मेरा तो यही मुद्दा है, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, साफ सीधी बात है। जो मोदी जी ने हमारे लिए किया है वो बहुत बड़ी बात है। उन्होंने हमारे जैसे यूथ को नज़रिया दिखाया, धारा 370 हटाई कश्मीर में। सबसे बड़ी बात तो वही है, अब हमारे जैसा नागरिक उधर खुला घूम सकता है, जा सकता है। उधर के बच्चे बेचारे कहाँ घूमते थे, उधर ना 2G चलता था ना 3G चलता था, बेचारे डर डर में क्या बोलते हैं, ना कोई पढ़ने जा एजुकेशन के लिए। मेन बात तो ये है, उधर के बच्चों को हटाया। इधर चंडीगढ़ में अगर आप टंडन सर की बात करें, टंडन सर ने कितने यूथ के बच्चों को अब वो किया, मेन तो सर क्रिकेट के लिए है ना, कितने बच्चे खेल रहे हैं। उन्होंने ये सबसे मेन बात की कि नशा हटाओ और क्रिकेट खेलो, सबसे मेन बात टंडन सर की तो यही थी। उन्होंने आगे भी बोला कि हम यूथ के लिए ये सब करते रहेंगे, ऐसा कुछ ना कोई नशा बिल्कुल ही बंद कर देंगे। बिल्कुल ठीक है जी। वो टंडन सर आने वाले, मैं तो ये कह रहा हूँ 40 साल अगर आप मोदी को भी दे दोगे ना, आने वाले टाइम पे वो एकदम इंडिया को ऊपर नहीं पहुँचाया। उसने ये बात बोली है कि 100 करोड़ जनता है हिंदुस्तान की, जो पूरे राज करेगी, राज हिंदुस्तान की। आप खुद बताओ, आप हिंदुस्तानी हो, आप चाहोगे ना कि हर देश में आप ही का नाम हो? मोदी का वो ही कहना है, इस करके जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। जय भारतीय जनता पार्टी की। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? शशि। शशि, आपने वोट किया जी? यस सर। आप हमारे दर्शकों को जरा वोट का निशान दिखाएंगे? हाँ जी। आप क्या लगता है कि चंडीगढ़ में किसकी सीट निकल सकती है? मोदी सर, कमल, भाजपा। भाजपा, भाजपा क्यों? कि इस टाइम जो ये इस टाइम जनरेशन है वो पढ़ी लिखी जनरेशन है जी, है ना, वो जानती है कि इसलिए हमारा भला क्या है और बुरा क्या है। नॉट है, वो ब्लाइंड नहीं है कि मैं वोट, मतलब कि गदा वो नहीं है, भेड़ चाल नहीं है, ये एक सूझी बूझी चाल से वो अपनी वोट को आगे इनको लाना चाह रही पार्टी को, कि अच्छी पार्टी आए और अच्छे विकास के काम करे। वो ये विकास नहीं दे रही कि हमारी आज मेरे घर में चूल्हा जला नहीं जला, वो देश का विकास देख कर इस मोदी सरकार को, भाजपा को वोट देना चाह रही है, ना कि अपने घर को देख के कि मुझे नौकरी मिली कि नहीं मिली।
देश अच्छा होगा तो नौकरी भी मिल जाएगी। जब देश ही नहीं अच्छा नौकरी को क्या करोगे? एक सिंगल बंदा नौकरी करके क्या करेगा? देश चला लेगा, लेकिन देश चलेगा तब घर घर चलेंगे, ना कि घर से देश नहीं चलेगा, देश से घर चलेंगे। क्या नाम है आपका? नीलम। नीलम जी, नीलम जी वोट किया आपने? हाँ जी। जरा हमारे दर्शकों को दिखाएंगे निशान वोट का। नीलम जी क्या लगता है चंडीगढ़ में इस बार किसकी सीट निकल सकती है? जायज है, बीजेपी ही जीतेगी। अच्छा, जो राम को लाए हैं वो जरूर आएंगे। अच्छा, जो राम को लाए हैं वो जरूर आएंगे। अच्छा तो अच्छा, और इसके अलावा क्या मुद्दे हैं? सिर्फ राम मंदिर एक मुद्दा है जिस वजह से आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जीतेगी? और भी बहुत कुछ है जो मोदी जी ने मतलब सबके लिए किया है जी, वो इस करके। अच्छा, तो आपके हिसाब से? हाँ जी, मोदी जी ही आ सकते हैं। धन्यवाद जी, धन्यवाद। नमस्कार जी। जी नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? रजिंदर कौर रत्तू। मैडम, आपने वोट कास्ट किया है जी। क्या लगता है इस बार चंडीगढ़ में किसकी सीट आ सकती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल, मोदी जी बहुत अच्छा देश में काम कर रहे हैं, उनके नाम के लिए और विकास के लिए जनता जागरूक है, वो वोट कमल के फूल को देगी। धन्यवाद जी, धन्यवाद। सर नमस्कार। जय श्री राम। सर क्या नाम है जी आपका? अनिल कुमार शर्मा। अनिल कुमार शर्मा, अनिल जी आपने वोट डाला है? हाँ जी, मैंने वोट डाला। दिखाएं सर अपने दर्शकों को हमारे। सर ये बताएं भी इस बार किस तरह का समीकरण बनेगा, सीट कौन सी पार्टी ले जा सकती चंडीगढ़ की? चंडीगढ़ की सीट जो है वो संजय टंडन जी ले जाएंगे। वाह जी वाह। अच्छा जी, क्यों? हाँ जी, क्यों ले जाएंगे? क्योंकि उनके काम अच्छे हैं और ये वोट जो वोट डाल रहे हैं वो मोदी जी को डाल रहे हैं, मोदी जी के नाम पे ही डाल रहे हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? मनोज कुमार जी। मनोज कुमार जी, वोट डाला है आपने? हाँ जी डाला है, बिल्कुल डाला है। पहले तो हमारे दर्शकों को एक बार आप अपना वोट का जो निशान है वो दिखाएं प्लीज। तो मनोज जी आपको क्या लगता है चंडीगढ़ में किसकी सीट निकल सकती है इस बार? बीजेपी। बीजेपी, बीजेपी क्यों? क्योंकि जो उग्रवाद मिटाया इन्होंने, तो उग्रवाद मिटाया इन्होंने, ठीक है, तो घर घर राशन बचाया इन्होंने लॉकडाउन में, ठीक है, ये अच्छे काम किए सारे ने। ठीक है जी, बस इसने अच्छे काम किए हैं इसलिए चंडीगढ़ में भारतीय जनता पार्टी आ सकती है। धन्यवाद जी, धन्यवाद, धन्यवाद। सूत्रों के अनुसार चंडीगढ़ की कॉलोनीज में जो रहा है वोटों का जो प्रतिशत रहा है बहुत ज़्यादा रहा है, वहाँ पे जो वोटर्स हैं उनका जो जोश है वो देखते ही बनता था। कैमरामैन राकेश के साथ रंजिंदर दत्त, चंडीगढ़।